नमस्कार, मेरा पूरा देश सुन रहा, राष्ट्र की आवाज, 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, आज झारखंड के गिरिडीह में देश भर के आदिवासी समाज के लोग इकट्ठा हुए। आदिवासी समाज पारसनाथ पहाड़ी पर अपने सबसे पुराने दावे की बात कर रहा है। पारसनाथ पहाड़ी को आदिवासी समाज मरांग बुरु के नाम से पुकारता है। मरांग बुरु का आदिवासी समाज में खास धार्मिक महत्व माना जाता है। आदिवासी समाज की पूजा पद्धति में बलि का प्रावधान है। पारसनाथ पहाड़ी पर मांस के प्रतिबंध का मतलब होगा आदिवासी समाज की धार्मिक मान्यताओं से खिलवाड़। देश के सबसे वांछित समाज आदिवासी समाज के आंदोलन की पूरी खबर आज मैं आपको दिखाऊंगा। पारसनाथ पहाड़ी पर धार्मिक अधिकारों की लड़ाई जैन समुदाय ने शुरू की। साल के पहले दिन जैन समाज के विशाल आंदोलन ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर जैन समुदाय का जन सैलाब देखने को मिला, हर किसी को हैरान कर गया। देश का सबसे शांत रहने वाला समाज क्यों सड़कों पर है? देश के सबसे संपन्न समाज को क्या परेशानी हो गई? एक दो दिन के अंदर ही पूरे देश को पता चल गया कि जैन समाज के लिए पारसनाथ पहाड़ी कितना ज्यादा महत्व रखती है। हर जैन समुदाय अपने जीवन में क्यों एक बार पारसनाथ पहाड़ी पर जरूर जाना चाहता है? जैन समाज के शक्ति प्रदर्शन के आगे सरकार झुक गई। पारसनाथ को पर्यटन घोषित करने के फैसले को बदल दिया गया। जैन आंदोलन का पूरा अपडेट भी आज मैं आपको दूंगा। जैन आंदोलन के बाद अब आदिवासी आंदोलन की शुरुआत हो गए हैं। जैन आंदोलन शांत होने के बाद लगा कि पारसनाथ पहाड़ी पर उठा बवाल थम गया, लेकिन अब आदिवासी समाज सड़कों पर आ गया है। आदिवासी आंदोलन उस लेवल पर तो नहीं हो सकता जिस लेवल पर जैन समुदाय के आंदोलन को देखा गया। आर्थिक तौर पर देश का सबसे मजबूत जैन समाज हो या देश का आदिवासी समाज, दोनों की नाराजगी किसी भी सियासी दल को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। कैसे पारसनाथ पर एक बार फिर से सियासी पारा सुलग उठा है, मैं आपको बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। मैं राष्ट्र की आवाज की शुरुआत दो तस्वीरों के साथ करना चाहता हूं। इन दो तस्वीरों में आपको दो हिंदुस्तान दिखेंगे। हिंदुस्तान के साथ समाज को विविधता दिखेगी, हिंदुस्तानी समाज की जटिलता दिखेगी। पहली तस्वीर आपने जरूर देखी होगी, जैन समुदाय के लोगों का विशाल जन सैलाब, देश के सभी बड़े शहरों में बड़ा आंदोलन, देश का सबसे संपन्न समाज सड़कों पर उतरा। तस्वीरों ने हर किसी को आकर्षित किया। जैन धर्म का विशाल जन आंदोलन देश विदेश की मीडिया की सुर्खियों में बना। पारसनाथ पहाड़ी को टूरिस्ट स्पॉट बनाने में के विरोध में देश का जैन समाज सड़कों पर उतरा। तो दूसरी तस्वीर झारखंड के आदिवासी समाज के लोगों की है। आदिवासी समाज बड़ी मुश्किल से इकट्ठा हुआ। दूर दराज से आए आदिवासी समाज के लोग आज गिरिडीह में इकट्ठा हुए। देश के सबसे वंचित समाज ने आज अपने धार्मिक अधिकारों के लिए बिगुल फूका। बड़ी मुश्किल से मीडिया इन तक पहुंच सकी। मीडिया में इन्हें थोड़ी बहुत कवरेज जरूर मिली है। एक तरफ देश का आदिवासी समाज, देश का कमजोर समाज, तो दूसरी तरफ देश का सबसे संपन्न समाज। दोनों ही समाज अपने अधिकारों की रक्षा के लिए मांग कर रहे हैं। ये धार्मिक रक्षा की बात कर रहा हूं।
दिक्कत यह है कि दोनों ही समाज एक पहाड़ी को लेकर अब आमने सामने आ गए हैं। दोनों की मांगे बिल्कुल अलग अलग हैं। दोनों समाज अलग अलग हैं। जैन समाज जिसे पारसनाथ पहाड़ी कहा जा रहा है, जिसे अपने तीर्थकरों की भूमि बता रहे हैं, अपने तरीके से इस पहाड़ी की पहचान बता रहे हैं, पहाड़ी पर मांस मदिरा के सख्त प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं, उससे ठीक विपरीत, उससे ठीक अलग आदिवासी समाज अपनी परंपराओं की दुहाई दे रहा है। आदिवासी समाज के लिए इस पहाड़ की पहचान मरांग ब्रु से है। मरांग ब्रु से आदिवासियों के रिश्ते आदिकाल से बताए जाते हैं, मतलब काफी ज्यादा पुराने रिश्ते हैं। मांस मदिरा आदिवासियों की पूजा पद्धति का हिस्सा है। आदिवासियों की पूजा पद्धति में बकायदा बलि का प्रावधान है। जब पहाड़ी पर मांस को लेकर प्रतिबंध लगेगा तो आदिवासी अपनी पूजा कैसे कर पाएंगे, समझिए उलझन कितनी बड़ी है। पहाड़ी एक है, पहाड़ी की दो पहचान को लेकर टकराव के हालात बन गए हैं। एक तरफ देश का सबसे संपन्न समाज जैन समुदाय, तो दूसरा तरफ देश का सबसे पुराना वंचित समाज यानी आदिवासी समाज। दोनों अपनी आस्थाओं के मुताबिक पहाड़ी की अपनी पहचान चाहते हैं। झारखंड की राजधानी रांची से 165 किलोमीटर दूर गिरिडीह जिले के मधुबन में पारसनाथ पहाड़ी मौजूद है। ये झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है। इसकी ऊंचाई लगभग 9.6 किलोमीटर है। जैन समाज पारसनाथ पहाड़ी पर अपना दावा पेश कर रही है। जैन समाज अपनी मान्यताओं के मुताबिक पहाड़ी का रखरखाव चाहता है। पारसनाथ पहाड़ी को लेकर जैन समाज की आस्था बहुत ज्यादा गहरी है। पारसनाथ पहाड़ी से जैन समाज का नाता काफी पुराना है। जैन समाज इसे सम्मेद शिखर जी भी कहता है। जैन समाज का कहना है कि सम्मेद शिखर जी पर जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थकरों ने यहां मोक्ष की प्राप्ति की। सबसे पहले दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ जी ने यहां निर्वाण की प्राप्ति की। इसके बाद चौथे तीर्थंकर अभिनंदन जी ने भी, और उसके बाद 21वें तीर्थंकर नमिनाथ जी ने निर्वाण प्राप्त किया। फिर 23वें तीर्थकर पारसनाथ यहां से मोक्ष प्राप्त किए। इन 20 तीर्थकरों के अलावा जैन समाज के कई महान आत्माओं ने यहां से मोक्ष की प्राप्ति की। इसलिए पारसनाथ को श्रोणिमल तीर्थस्थल कहा जाता है। जैन धर्म के में ऐसी मान्यता है कि एक बार जो सम्मेद शिखर जी की वंदना कर लेता है उसे नरक और पशु गति से प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हर जैन अपने जीवन में एक बार सम्मेद शिखर की वंदना की इच्छा करता है। इसलिए 27 किलोमीटर की वंदना करते हुए 9 किलोमीटर की चढ़ाई, 9 किलोमीटर की वंदना पथ और फिर 9 किलोमीटर के नीचे उतरते हैं। जैन धर्म में किसी तरीके से हिंसा की मनाही है। मांस मदिरा तो बहुत दूर की बात है। तो वहीं दूसरी तरफ देश का आदिवासी समाज है जो इस पहाड़ी को मरांग ब्रु यानी बूढ़ा पहाड़ कहता है। आदिकाल से उनकी आस्था का केंद्र है। झारखंड का आदिवासी संथाल समुदाय दावा करता है कि पूरा पहाड़ उनका है। आदिवासियों का कहना है कि वो हर साल आषाढ़ी पूजा में सफेद मुर्गे की बलि देते हैं। ये उनकी परंपरा का अहम हिस्सा है। आदिवासी परंपरा के साथ छेड़छाड़ उन्हें मंजूर नहीं होगी। और यही वजह है कि आदिवासी समाज की तरफ से मंगलवार को महाजुटान की तैयारी की गई। देश भर से आदिवासी समाज के लोग मरांग ब्रु की मांग को लेकर बूढ़ा पहाड़ पर इकट्ठा हुए, गिरिडीह में इकट्ठा हुए, सरकार को अपनी ताकत का एहसास करवाया। निराश की आवाज के जरिए आदिवासी समाज के आंदोलन की एक झलक आपको दिखाना चाहता हूं।
राज में बबुआ राज नाच चलतो, बबुआ राज में बबुआ राज नाच चलतो, मंसूरन मुर्दाबाद। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरे मसले पर आदिवासी समाज की क्या मांगे हैं। आदिवासी समाज की आवाज आप खुद सुनिए। सबसे पहले हम लोग मांग रखे हुए हैं इस पारसनाथ मारांगुरु, यानी 1911 के गजट में भी मारांगुरु है और 1900 पंचायती राज 1956 में भी गजट है। तो मैं कहना चाहता हूं ऐसी अंधी बहरी सरकार कि जैनियों के लिए आपको ये 20 निर्वाण 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि आपको समझ में आया, लेकिन यहाँ के आदिवासी मूल भावनाओं का आपने कद्र क्यों नहीं किया। और सबसे ज़्यादा भर्त्सना करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, आदिवासी को जानते हैं और यहाँ के एक एक आदमी को जानते हैं, यहाँ की भौगोलिक स्थिति को भी जानते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार के पक्ष पास यहाँ के स्थानीय लोगों का आदिवासी का भावनाओं को नहीं रखा, जबकि वो भी मारांगुरु को पूछते हैं। आज हम लोगों ने महाजुटान के माध्यम से ऐलान किया है, सरकार का पुतला भी फूकेंगे, जलाएंगे भी और यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर भी करेंगे। जैन समुदाय के द्वारा अपना तीर्थ स्थल बना के उसमें अपने नियम और जो कानून चलाने की जो बात का विरोध जो है के रूप में, आज यहाँ पर समस्त आदिवासी समाज, मतलब सिर्फ संताल नहीं, जिनका आपका मारांगुरु ये जाहिर स्थान जो है उसमें आप देखिएगा कि यहाँ पर जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं, ना सिर्फ झारखंड से बल्कि देश के विभिन्न कोनों से भी यहाँ पर अपना विरोध दर्ज इसलिए करने के लिए आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदिवासी समाज को इतनी बड़ी भीड़ को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा है। गिरिडीह के मधुबन बाजार सहित आसपास के इलाके में भारी पुलिस बल के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला, व्यवस्था चाक चौबंद रही। आदिवासी समाज के लोगों को एक जगह इकट्ठा करने में आदिवासी समाज को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी है और इस समाज का खास उद्देश्य के लिए समझना होगा, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में बताना, उन्हें उनके धार्मिक अधिकारी को लिए आगे बढ़कर विरोध दर्ज करवाने के लिए इतनी दूर बुलाना, इसके लिए खर्च करना सब आसान नहीं है। जैन समुदाय के लोग से इस आंदोलन की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन राज्य के स्तर पर आदिवासियों के इस आंदोलन को धमक ठीक ठाक रही है। आदिवासी समाज अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने में कामयाब रहा। गिरिडीह के मधुबन में आज महाजुटान में विशाल आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा में संबोधन के बाद भव्य जुलूस निकालकर सरकार के विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध कार्यक्रम में संबोधित करते हुए जेएमएम के विधायक लॉविन झारखंडी खतियान भाषा संघर्ष समिति के जयराम महतो के अलावा झारखंड और बंगाल ओडिशा के बुद्धिजीवी और समाज सेवी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में झारखंड के संथाल परगना जमशेदपुर दुमका से अलावा बंगाल ओडिशा से हजारों की तादाद में आदिवासी मूल शामिल हुए हैं। झारखंड में जेएमएम की सरकार है, जेएमएम के विधायक लॉबिन को इस मसले पर अपनी ही सरकार से विरुद्ध आवाज बुलंद करनी पड़ी, लेकिन इस मसले पर काफी सक्रिय रहे। जेएमएम विधायक लॉबिन की इस मसले पर क्या राय है, राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। घोषणा के उसमें और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिखा उसमें हमारा अधिकार कहाँ रहा? मेरा भी अधिकार रहना चाहिए और हम शुरू से रहते आए हैं और रहेंगे और आगे भी रहेगा। और वहां पर जो बलि देने का प्रथा है उसको कोई रोके नहीं, स्कूल के बच्चे को रोके नहीं, पहाड़ से लकड़ी लाने वाले को कोई रोके नहीं। और दूसरी बात है कि हम क्योंकि सरकार घुटना टेक दिया, अब कहाँ जाऊं मैं, इसीलिए हम सारे लोग मिल करके ये झारखंड बचाओ मोर्चा की तरफ से हम लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं। 25 जनवरी तक वहां के आदिवासियों का
जो अधिकार है उसको बहाल करे। समझना मुश्किल नहीं कि इस पेचीदे मसले का समाधान निकालना आसान नहीं है। आदिवासियों के आंदोलन की जानकारी सबसे पहले स्थानीय प्रशासन को मिली, तब से प्रशासन दोनों पक्ष को समझाने में जुट गया। आदिवासी समाज और जैन समाज के प्रतिनिधियों के साथ रविवार को अधिकारियों की बड़ी बैठक हुई, दोनों पक्षों के बीच समझौता करवाने की कोशिश की गई। बैठक के बाद बात बन गई। राष्ट्रीय आवास के जरिए मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि बैठक के बाद अधिकारियों ने क्या कुछ कहा था। आज हम लोगों ने इस बैठक में सर्वसम्मत एक निर्णय लिया है कि अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में स्थानीय स्तर पर एक कमेटी बनेगी, जिसमें दोनों ही समुदाय से लोग होंगे और जो सामाजिक संस्थान है उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। और आने वाले दिनों में किसी भी तरह का अगर कोई भी मामला आता है तो सबसे पहले उस कमेटी के संज्ञान में आएगा। और उस कमेटी में चूंकि प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं और दोनों ही संस्थाओं के लोग हैं, तो हमें ये उम्मीद है कि वो कमेटी स्थानीय स्तर पर चीज़ों के समाधान में सक्षम होगी। और इसके बाद भी अगर कोई विषय होगा तो जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, जिला स्तर के पदाधिकारी करेंगे। और मुख्य रूप से इस एक बात पर सैद्धांतिक सहमति दोनों ही पक्षों से बनी कि आदिकाल से चली आ रही व्यवस्था ही यथारूप रहेगी, न उसमें कोई नई चीज जोड़ी जाएगी न नई चीज घटाई जाएगी। दोनों ही समुदाय के लोग, जैनियों के समेत शिखर की आस्था अपनी जगह बिल्कुल है और पारसनाथ में मरांग गुरु की आस्था भी अपनी जगह है और दोनों की ही आस्था का सम्मान होगा। और यह स्वामित्व का विवाद नहीं है, अपनी अपनी आस्था के अनुरूप पूजा को करने का मामला है और ये दोनों ही समुदाय अपनी अपनी आस्था के अनुरूप यहाँ पर पूजा करेंगे और एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करेंगे। आदिवासी समाज की पूजा में बलि का विशेष महत्व है, इसे छोड़ने के लिए आदिवासी समाज किसी भी लिहाज से तैयार नहीं है। उनके पूजा पद्धति से खिलवाड़ की तरह है। इसी वजह से कार्यक्रम के मुताबिक आदिवासी समाज के लोग जुटे, अपनी आवाज बुलंद की। गिरिडीह में आदिवासी समाज के आंदोलन की गूंज पूरे राज्य में सुनाई गई, आदिवासी आंदोलन की गूंज सत्ता के गलियारों में सुनाई गई। इस पर सूबे की सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष को लगता है कि विपक्ष जानबूझकर इस मुद्दे को भड़का रहा है और विपक्ष लगातार इसे भुनाने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको राजनीति के कुछ बयान सुनवाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि इस मुद्दे का समाधान बिल्कुल आपसी सौहार्द में होना चाहिए और केंद्र सरकार ने जो 3-4 दिन पहले पत्र भी लिखा राज्य सरकार को, उसमें इन्हीं बातों का जिक्र है कि 3 सदस्यीय कमेटी हो, जिसमें 2 जैन समुदाय से हो, 1 अनुसूचित जनजाति समुदाय से हो, तो बैठकर इस मामले का विचार विमर्श करके निराकरण होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अगर आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं राजनीतिक स्वार्थ के कारण, तो ये अच्छा नहीं है, समाज में गलत संदेश जाएगा। और दोनों धर्मावलंबी जिनको अपनी परंपराओं को लेकर चिंता है, आपस में बैठकर चिंता विचार विमर्श कर लें और एक रास्ता निकले जिस पर दोनों समुदायों की सहमति हो, तो फिर इसमें बीच में किसी के पकड़ने की आवश्यकता भी नहीं है। सरकार को इन चीज़ों को देखना है कि जो महाजुटान के नाम पर लोग राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं वो विद्वेष फैलाने की कोशिश ना करें और समाज को टकराहट से बचाना है तो ये सरकार की जवाबदेही। और हमें लगता है कि बहुत जल्द पारसनाथ का मामला सुलझा दिया जाएगा। जो पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी के सरकार में इस मामले को जन्म दिया गया और ये पाप महागठबंधन सरकार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जो खोड़ने का काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम इस पाप को जो भाजपा ने हमारे सर पे मरने का काम किया है, हम उसको धोने का भी काम करेंगे। मामला पुराना है, मामला बहुत पेचीदा है। झारखंड सरकार अभी भी बेशक पुरानी परंपरा की बात कहकर पल्ला झाड़ती नजर आ रही है, लेकिन जैन समाज की ताकत को नजरअंदाज करना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। जैन समुदाय के विशाल जन आंदोलन की दबाव पूरी व्यवस्था पर नजर आई। केंद्र सरकार हो या झारखंड सरकार, किसी के लिए भी जैन समुदाय की मांग को विपरीत जाना आसान माना जाएगा। और साल 2013 के पहले ही दिन साल के सबसे बड़े आंदोलन की तस्वीर सामने आई। वही दिल्ली इंडिया गेट पर भारतीय जैन जन सैलाब देखने को मिला। आमतौर पर शांत रहने वाला जैन समाज के लोग इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर दिखाई दिए, सबको हैरान कर गया। देश के सबसे बड़े समाज आर्थिक तौर पर उनको क्या दिक्कत हो सकती है, ऐसा क्या हो गया? जैन समाज इतनी बड़ी तादाद में इंडिया गेट पर इकट्ठा हुआ, सबका ध्यान जैन समाज
आंदोलन ने अपनी ओर खींच लिया। पारसनाथ पहाड़ी का जैन धर्म के लोगों के लिए क्या महत्व है, एक दो दिनों के अंदर ही पूरे देश को पता चल गया। देश भर में लाखों की तादाद में जैन समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे, हाथों में तख्तियां, जुबान पर नारे, सबके सब पारसनाथ पहाड़ी को टूरिस्ट प्लेस बनाने का विरोध करते नजर आए। जैन समाज के विरोध में ऐसी तस्वीर देश के हर छोटे बड़े शहरों में देखने को मिली। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश की राजधानी दिल्ली में 1 जनवरी को महारैली करने के बाद 4 जनवरी को देश की आर्थिक राजधानी में भी जैन समाज ने अपनी शक्ति, अपनी ताकत का प्रदर्शन दिखाया। पारसनाथ को पर्यटन स्थल घोषित करने का फैसला वापस लेने की मांग को लेकर जैन समाज मुंबई की सड़कों पर उतरा। आजाद मैदान में महारैली का आयोजन किया गया। महारैली को जैन समाज के संत मुनियों ने संबोधित किया है। हजारों की तादाद में जैन समाज के लोग आजाद मैदान पहुंचे। इस दौरान आसपास के इलाकों में ट्रैफिक संभालना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती साबित हुआ। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको जैन समाज के पक्ष की बात भी सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए उनका क्या कहना। प्रोटेस्ट का कारण है कि जैनों की जो आस्था है उस पे थोड़ा आंचन लांचन लग रहा है कि हमको कि मतलब बराबर जो तीर्थंकर की निर्वाण भूमि है तो आस्था का कहीं ना कहीं हमको पर्यटन क्षेत्र नहीं चाहिए, जो जैन धर्म की मान्यता उसके हिसाब से ही पूरा काम हो, बस हम वो चाहते हैं। सरकार डेफिनेटली डिले कर रही है लेकिन हम निरंतर लड़ते रहेंगे जब तक हमको हमारा इंसाफ नहीं मिलेगा। शिखर जी को पर्यटन विभाग से बचाना है। सम्मेत शिखर जी अनाधिकार से शाश्वत भूमि है, वो भूमि रहेगी, इसीलिए भव्य आयोजन किया है। पूरे मुंबई शहर से लोग, महाराष्ट्र से भी लोग आए हैं और आज यहाँ 1 लाख से अधिक लोग। जैन आंदोलन ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जैन समाज का शक्ति प्रदर्शन देखकर केंद्र सरकार बैकफुट पर आ गई। 5 जनवरी को केंद्र सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि पारसनाथ पहाड़ी पर पर्यटन को इको टूरिज्म गतिविधियों पर तत्काल रोक दी गई है। पारसनाथ क्षेत्र में शराब, तेज आवाज में गाने और मांस की बिक्री पर पाबंदी लगाई गई है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद जैन समाज ने खुशी जाहिर की है, सरकार का आभार जताया है। एक बार को बेशक लगा कि पारसनाथ का मामला शांत हो गया, लेकिन अब आदिवासी समाज आगे आ गया। आदिवासी समाज भी अपनी धार्मिक आस्थाओं की रक्षा की मांग कर रहा है। मामला काफी ज्यादा पेचीदा है। जैन धर्म में मांस वर्जित है, उस पर पाबंदी है। आदिवासी समाज में बलि का विशेष प्रावधान है। एक तरफ देश का सबसे संपन्न समाज तो दूसरी तरफ देश का सबसे वंचित समाज। देश किसी की सरकार के लिए दोनों में से किसी भी समाज को नाराज करना आसान नहीं होगा। देखना होगा कि सरकारें कैसे बीच का रास्ता निकालती हैं, दोनों समाज के लोगों के बीच सहमति बनने में कामयाबी मिलती है या नहीं, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी आप सुनिए।